वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 94.25 पे आज ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि गिरावट भी देखने को मिले स्टॉक के अंदर 3.50 पैसे की टोटल गिरावट और 3.58% की गिरावट देखने को मिले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में। आज ओपन हुआ था फ्लैट, ओपन होकर ऊपर ऊंचाई भी देखने को मिली थी, पर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेजी से ऊपर रेजिस्टेंस लगते तेजी से गिरावट देखने को मिली, अभी भी यहाँ पे लो के ऊपर ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। आज लो बनाया है 94 लेवल का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ने। तो मार्केट कैप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.45,000 करोड़ की। और न्यूज की बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। जैसे कि न्यूज की बात की जाए तो यहाँ पे करंटली कोई न्यूज नहीं है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे आज के दिन का वॉल्यूम भी देखा जाए तो 77 लाख 34,000 का टोटल वॉल्यूम देखने को मिला है अभी तक। मींस यहाँ पे देख सकते हो कि बाइंग के लिए 11 लाख सिर्फ क्वांटिटी और सेलिंग के लिए 23 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है। मींस बाइंग से डबल यहाँ पे पेंडिंग क्वांटिटी सेलिंग के लिए दिखाई दे रहे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में। सिक्योरिटी वाइज पोजिशन भी देखा जाए तो 11 बजे तक देख सकते 42% जो क्वान्टिटी है डिलीवरी के लिए जाती हुई नजर आ चुकी है 54 लाख में से। तो चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। जो 110 लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 लेवल पे स्टेबल था, तो रिसेंटली 100 लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो आज देख सकते कि नीचे भी आता है तो तकरीबन 90 लेवल पे सपोर्टिव लेवल है, क्योंकि यहाँ पे 52 क्लो जो बनाया था उस लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते और गिरावट होती है नीचे के साइड। तो रिसेंटली लो के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक, तो नीचे जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फिर 90 लेवल पे सपोर्ट एक्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक 52 वीक लो भी बना चुका था यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक उस लेवल पे, तो वो लेवल सपोर्टिव एक्ट हो सकती है यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के लिए।